तो आज का स्मैकडाउन देखने के बाद मैं फाइनली कह सकता हूँ कि दी ओजी ब्लडलाइन यानी कि रोमन रेंस, जिमी उसो एंड जे उसो आर ऑफिशियली बैक टुगेदर। एंड वेलकम है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आज हुए ब्लडलाइन के सेगमेंट के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले गाइस जो सेगमेंट की स्टार्टिंग है वो होती है रोमन रेंस एंड जिमी उसो के एंट्रेंस के साथ। एंड अगर आपको वो जो पुराने वाले ट्राइबल चीफ यानी कि जो हील रोमन रेंस ट्राइबल चीफ थे, अगर वो वाला ट्राइबल चीफ पसंद है और उसका ऑरा पसंद है तो आज के सेगमेंट में आप वो पूरा पूरा फील कर सकते हो। रोमन रेंस एंड जिमी उसो सेम उसी ओरा के साथ आते हैं। रोमन रेंस अपना एज अ ट्राइबल चीफ आता है, जिमी उसो उनके पीछे पीछे एज अ बिग जिम उसो आते हैं। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस एंड जिमी उसो रिंग में आते हैं। जिमी उसो रोमन रेंस से बोलते हैं कि देखो भाई मैं मंडे नाइट रो पे गया था, मैंने जे उसो से बात करी और काफी हद तक जो चीजें हैं मैं सॉर्ट आउट कर चुका हूं, अब बस तुम्हारी बारी है जे उसो से बात करने की क्योंकि हमारा क्राउन ज्वेल में मैच होने वाला बैड ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और तुम्हें भी ये बात पता है कि अगर हम जे उसो के साथ नहीं लेंगे और उनके साथ सही से नहीं रहेंगे तो भाई ब्लड लाइन के साथ हमारा कोई भी चांस नहीं बनता है। मतलब जिमी उसो अपनी तरफ से बिल्कुल कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे रोमन रेंस को कि भाई समझ जा, अगर जे उसो हमारे साथ नहीं आता बैड ब्लड लाइन के अगेंस्ट तो हमारा कोई भी चांस नहीं बनता इस मैच के अंदर जीतने का। अब रोमन रेंस जब ये सारी बातें सुन चुके थे तो वो जिमी उसो से माइक मांगते हैं, बट माइक रोमन रेंस के हाथ में आने से पहले ही जे उसो का थीम सॉन्ग हिट होता है और भाई वो जो क्राउड का रिएक्शन, यार क्या प्राइसलेस रिएक्शन था। मतलब रोमन रेंस के हाथ में माइक आने वाला इतने में जे उसो का थीम सॉन्ग हिट होता है, जे उसो निकल के आते हैं क्राउड के बीच में से। सबसे पहले तो उनको क्राउड की तरफ से रिएक्शन इतना प्यारा मिल रहा था, यीट वाले सारे चैंट्स लग रहे थे, अपना यीट वाला स्टेप भी वो करते हैं। इसके बाद वो रोमन रेंस के बिल्कुल सामने आते हैं और सिर्फ एक बात बोलते कि देख भाई तू पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ कर चुका है, तू मेरे को मेंटली डैमेज दे चुका है, तू मेरे को फिजिकली डैमेज दे चुका है, तू मेरे को इमोशनली डैमेज दे चुका है, बट मैं एक बात तेरे को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देख मैं तेरे साथ तो आ रहा हूं फैमिली की वजह से बट पहले जैसा अब कुछ भी नहीं होने वाला। और सेम बात उन्होंने जिमी उसो को मंडे नाइट रॉ पे भी बोली थी। जे उसो यहां पे बोलते कि ठीक है मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं बैड ब्लड लाइन के अगेंस्ट, बट मेरी एक शर्त है कि मैं भी तेरे इक्वल रहूंगा, मतलब ना तो मैं तेरा राइट हैंड मैन हूंगा ना मैं तेरा उसो हूंगा, तू मेरे कजन की तरह रहेगा और मैं कजन की हैसियत से लड़ूंगा फैमिली के लिए, और अगर तेरे को ये शर्त मंजूर है तो भाई मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं। उसके बाद रोमन रेंस को क्या ही बोलना था, रोमन रेंस माइक लेते हैं और सीधा बोलते हैं यीट। और अब मेरे को समझ में आया कि रोमन रेंस ने यीट किस चीज के ऊपर बोला था। मतलब जब ये वीडियो लीक हुई थी तो रोमन रेंस की यीट बोलने वाली जो क्लिप थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, तो मेरे को अब जाके समझ में आया था कि रोमन रेंस ने किस चीज के ऊपर यीट बोला था। तो भाई फाइनली ये सब हो चुका है, रोमन रेंस जिमी उसो एंड जे उसो एक साथ आ चुके हैं। सेगमेंट के लास्ट में फिर वो वी द वंस वाला साइन भी करते हैं जो कि ब्लड लाइन में हमने पहले भी देखा है। और यहां से जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि रोमन रेंस जिमी उसो एंड जे उसो फिर से ओजी ब्लड लाइन के अंदर आ चुके हैं और अब ये फेस करने वाले हैं बैड ब्लड लाइन को क्राउन ज्वेल के अंदर। बट देखने वाली चीज ये होगी कि बैड ब्लड लाइन में से कौन कौन लड़ेगा, मतलब बैड ब्लड लाइन के अंदर तो चार बंदे हैं और ओजी जो हमारी ब्लड लाइन है उसके अंदर तीन बंदे हैं। तो भाई देखने वाली चीज है कि लड़ने कौन वाला एग्जैक्टली तीन बंदे हैं। मेरे ख्याल से तो टामा टोंगा, जेकब फाटू और सोलो सिकोवा लड़ने वाले हैं, यही तीन बंदे जो है मेरे को ब्लड लाइन के अंदर मेन लगते हैं। तो मेरे ख्याल से इन तीनों का ही फेस ऑफ होने वाला, रोमन रेंस, जिमी उसो और सोलो सिकोवा के अगेंस्ट। बाकी आज रात क्राउन ज्वेल होने वाले तो सारी चीजें जो हमको आज ही पता चल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।